साथियों, मैं हूं गेवराम चौहान और आप देख रहे हैं गुरु ज्योति पत्रिका। जयपुर से खबर आ रही है, जलदाय विभाग की लापरवाही यहां सामने आ रही है। एक तरफ क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है, वहीं दूसरी तरफ जलदाय विभाग की ये लापरवाही सामने आ रही है। पाइपलाइन से पानी निकल रहा है, दिन रात पानी बिसलपुर और नदी के पानी को टंकी से जोड़ने वाली लाइन हुई है क्षतिग्रस्त। पिछले कई दिनों से इंदिरा बाजार वार्ड नंबर 13 में गंदे नाले के पास स्थित यह पाइपलाइन लकीज होने के कारण हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। इस पानी का उपयोग आम जनता के पीने के लिए काम में आता है। जलदाय विभाग की लापरवाही से पास की दुकानों की नीलों में भी पानी जाने का खतरा बरकरार है, इससे दुकानों को खतरा हो सकता है। इस बारे में पास की दुकान करने वाले मुजीब ने कहा, इससे हमारी दुकानों को खतरा हो सकता है, हमने कई बार शिकायत भी की परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चाकू से हनुमान साहू की यह रिपोर्ट। सर, ये इसकी हम शिकायत भी कर चुके हैं, तकरीबन 2 महीने से ये परेशानी हो रही है। अभी इसका लीकेज बढ़ता जा रहा है, पानी बहुत वेस्टेज हो रहा है और ये हमारी दुकानों की नींद में पानी जा रहा है, इससे सर ये खतरा बहुत बना हुआ है, पानी की बहुत वेस्टेज जा रहा है। आपने इस बारे में कहीं शिकायत की? बिल्कुल सर, मैंने 181 पे भी कॉल किया, वहाँ पे भी शिकायत दर्ज करी और जलदाय विभाग में भी शिकायत करी थी, लेकिन कोई इसका कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। देखो, इसका एक चप्पल लगा करके एक थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया इसने, ये देखो आप, चप्पल का टुकड़ा लगा के ये सपोर्ट दे रखा है, इससे क्या पानी रुक रहा है कि पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है। और सर, कभी भी ये बड़ा लीकेज हो गया तो बहुत परेशानी हो जाएगी सर। ये पाइपलाइन कब से क्षतिग्रस्त है? सर करीब 2 महीने हो गया, 2 महीने से हो रहा है, ये बीच में आया ये चप्पल लगा के इस पर। तो इस पर जलदाय विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं है सर, यहाँ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, शिकायत करते करते भी ध्यान नहीं देते। हाँ अलीम भाई, इसके बारे में आपके बारे में क्या बोलना है? ये बोल रहे हैं ये पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है, इससे दुकानों को खतरा है, पानी वेस्टेज बहुत जा रहा है, पाइपलाइन टूटने से जैसे मोहल्ले में पानी भी कम आ रहा है, इससे शाम को पानी भी कम आता है। अच्छा, आपका इसके बारे में ये कहना है कि इससे मोहल्ले में पानी भी कम आता है और नल में पानी कम होता है? 2 महीने से पानी कम आ रहा है। ये देखो ना, प्रेशर से कितना पानी वेस्टेज जा रहा है, हजारों लीटर पानी वेस्टेज जा रहा है, पानी पहले से बहुत कम आ रहा है। 2 महीने